बन जाओ, तुम बाहर क्यों आई? किसी चीज की जरूरत होती तो मुझे बुला लिया होता, मैं दे देती। नहीं आए वो? अरे डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा है ना, जाओ जाकर सो जाओ, जाओ। नहीं आए वो, मैं बेड पर पड़े पड़े यूं ही उब गई थी, सोचा थोड़ा सा काम कर लूंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। आई आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने जानबूझकर भांग नहीं पी, मुझे तो पता ही नहीं था कि उस ठंडाई में भांग है। मुझे तो बस उसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैं 4-5 ग्लास यूं ही पी गई। मंजू क्यों माफी मांग रही है? अरे मैं जानती हूँ तूने ये सब जानबूझकर नहीं किया। आई सब्जी नहीं है क्या घर में? अरे तेरे बाबा गए हैं सब्जी लेने के लिए, देखो ना कितनी देर लगा दी, अभी तक लौटे नहीं। और वैशु भी दिखाई नहीं दे रहे। वो गई है वर्षा के घर, शाम तक लौटेगी। सुलोचना ये लो तुम्हारी सब्जियां, और थैली में नीचे राशन भी रखा है। अहो पण किती उशीर केला। अरे वो क्या हुआ कि मार्केट में दामोदर जी मिले थे, उनके साथ बातें करने में समय निकल गया। वैसे उनके घर में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगो भाई आता काय झालं? अर्चु जबरदस्ती उनके घर में रहने गई है। क्या? हाँ माना और अर्चना अब उसी पुराने घर में रहेंगे। इतना बड़ा फैसला इस तरह अचानक? वो क्या है सुलोचना कि आजकल सविता ताई ज्यादा ही भूलने लगी है, इसलिए उनके घर के कामों पे ध्यान नहीं रहता। अभी 2 दिन पहले की बात है, कुकर गैस पर रख कर वो कहीं चली गई, गैस बंद करने ही भूल गई, कुकर फट गया। ये तो भगवान की कृपा है कि ज्यादा कुछ अनहोनी नहीं हुई, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है अगर जल्द से जल्द उनको इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाला गया ना तो कुछ भी हो सकता है, उनकी जान पर भी खतरा बना रहेगा। इसलिए अर्चु और मानव उन दोनों ने फैसला किया है कि वो वहां जाकर रहेंगे और सविता तक की देखभाल करेंगे। ये अर्चु भी ना पागल की पागल ही रहेगी। अरे कितने अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रही थी, अपनी अलग गृहस्थी भी बसा ली थी उसने, खुश थी अपनी दुनिया में, क्यों अपनी खुशियों को अपने हाथों लुटा रही है? अरे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है वो, उसे क्या जरूरत है उस घर में जाने की? जैसे तैसे तो उस घुसट बुढ़िया से उसका पीछा छूटा था, अब वहां पर जाकर रहेगी तो वही रोज की कहा सुनी, रोज के ताने, रोज के झगड़े। नहीं मंजू ऐसा नहीं होगा। अर्चु अभी तक दूसरों के लिए जी रही थी, लेकिन अब वो औरों के साथ साथ अपने लिए भी जी रही है, और बिना किसी मदद के। और देखो जिम्मेदारी लेना और उसे निभाना बहुत बड़ी बात होती है, और अर्चु वही कर रही है। हर लड़की का सपना होता है कि ससुराल में रहे, सास ससुर की सेवा करे। शायद अब तक अर्चु के नसीब में ये सुख नहीं था, लेकिन अब शायद बाप्पा ने उसकी सुन ली। लेकिन नहीं, आप तो वो सविता ताई को जानती हो ना? वो तुम चिंता मत करो, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है।
अच्छा हुआ जो ये बचे हुए 3,000 रुपए मैंने अजित को नहीं लौटाए, वरना वो बेवकूफ जाकर मानो की जेब भर देता। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, अकल गिरवी रखकर आया है कहीं पर। अरे कैसे समझा उसे कि वो मानो का नौकर नहीं है, पार्टनर है। मानो के हर एक रुपए में से 50 पैसे पर उसका हक है। अगर अजीत अपनी पहचान से मानो को पैसे नहीं दिलवाता तो कहां से करता वो बिजनेस। अजीत मेरी बात समझता नहीं है, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है मुझे। अच्छा ये मिल गया, वरना वाह। तो तूने हमसे झूठ बोला, तेरे पास पैसे थे फिर भी आई आई क्यों करती है सब तू? क्यों बेटे को मुश्किल में देखना अच्छा लगता है क्या तुझे? नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। मैं तो तेरी मुश्किलें दूर करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मानो के बिजनेस में तेरा जो पोजीशन है वो तू समझे, उसका फायदा उठाए। मानो तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, उसकी जो कामयाबी है वो तेरी देन है। तो उसके पैसों में से 4 पैसे तूने उठा लिए तो क्या गलत किया? गलत है आई, गलत है, और इसलिए गलत है कि ये पैसे मैंने उसे बिना बताए इस्तेमाल किए। धोखा किया उसे। अच्छा तो वो जो तेरे साथ कर रहा है वो क्या, तेरा इस्तेमाल ही कर रहा है वो? हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है उसके हाथों इस्तेमाल होना, मुझे अच्छा लगता है। हाँ तुझे क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आई तू उसे क्यों कोस रही है? मुझे बता तू क्या अलग कर रही है? आई पैसे के लिए अपने बेटे को इस्तेमाल ही कर रही है ना। बेटा बाहर कुछ भी करे, बाढ़ में जाए, खून बहाए, कुछ भी करे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? बस तेरी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, बरोबर ना? नहीं, नहीं बेटा तू गलत समझ रहा है। बेटा मैं तो तेरी भलाई चाहती हूँ, फिर भी अगर तुझे ठीक ना लगे तो ये पैसे मानो को वापस दे देना। नहीं आई, नहीं ये पैसे तू तेरे पास ही रख, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। इंतजाम कर लिया है? हाँ। वो भी इतने कम समय में कैसे? बस कर लिया। अजित बेटा मुझे बता दे क्या हुआ है, क्या किया है तूने? आई तेरी वजह से मैंने आज फिर से उसी दलदल में हाथ डाला जिससे 2 साल पहले मैं छूटकर बाहर निकला था। मतलब क्या किया तूने? आई मैंने जुआ खेला। हाँ जुआ खेला मैंने, और जो पैसे हैं ना वो वहीं से जीत कर लाया हूं मैं। मैं जानता हूं गलत है, गलत है, लेकिन तूने मेरे सामने और कोई चारा रखा ही नहीं। अरे मैं अपनी बर्बादी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मानो की नजरों में गिरना, उसकी बर्बादी मैं सोच भी नहीं सकता। भाई आज तूने मुझे फिर से उसी गंदगी में डाल दिया जैसे मैं बहुत साल पहले पीछे छोड़ चुका था। खैर ये पैसे तो अपने पास रख, और जब भी मौका मिले उड़ा दे अपने हाई सोसाइटी दोस्तों पर। अजीत बंधु आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब करना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर था। आई वाज हेल्पलेस। और हाँ ये बात मानो को मत बताना, बहुत उसूल वाला आदमी है वो, अगर उसे पता चला कि ये पैसे कहां से आए तो वो पैसे कभी नहीं लेगा, कभी नहीं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी आई की गलती की वजह से मानो का नुकसान। अजीत
तुम्हारा किचन जरा भी अच्छा नहीं लगता। कोई जरूरत नहीं है साफ करने की। अच्छा लीजिए, ये भी फेंक दीजिए। लीजिए, नहीं फेंकेंगी, मैं फेंक देती। और कुछ नहीं, ये नमक लीजिए, ये फेंक दीजिए। आई फेंकिए ना, मैं फेंक दूं। बस अब तसल्ली मिल गई आपको। आई आपको जितना गंदा करना है आप इस किचन को गंदा कर सकती हैं। आप जितनी बार गंदा करेंगी ना उतनी बार मैं साफ कर लूंगी। आप गंदा करते करते थक जाएंगे लेकिन मैं साफ करते करते नहीं थकूंगी। मुझे तो मन माफ रहने दीजिए, मैं कर लूँ। अच्छा, तो मैं खाना बना रहा ना, मैं कर देता। अरे 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 अरे, मेरा अच्छा खासा बेटा जोरू का गुलाम बन गया। आज किचन साफ करता है, कल बर्तन घिसेगा, परसों बीवी की साड़ी धोएगा। सपने में भी सोचा नहीं था मुझे ऐसा मेरा बेटा देखने मिलेगा। मानव मुझे माफ कर दीजिए। किसलिए? मैं आई के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। मानव मुझे पता है अर्चना तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम आई की भलाई चाहती हो तभी ये सब कर रहे हो और तुम्हारे करने का तरीका भी गलत नहीं। आई के जिद का बदला तुम जिद के साथ दे रही हो। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नहीं माना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ। आज जब मैंने आई को इतना चिड़चिड़ करते देखा, इतना गुस्सा करते देखा तो मुझे लगा जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, वो जरूर कामयाब होगी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारी कोशिश पे पूरा भरोसा है। आपका यही भरोसा मेरी ताकत है माना। चलो भी बहुत गंदा हो गया, साफ करते। इतनी बार कहा इस तरह अचानक मत मिला करो, समझ रहे हो ना? इसने देख लिया तो पंगा हो जाएगा। जो काम मैंने तुम्हें दिया था क्या हुआ उसका? काम तरीके से चल रहा है और अजीत ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। और ये बात बहुत जल्द मानव तक पहुंच भी जाएगी, समझे ना? ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है मानव और अजीत के बीच की जो दूरियां हैं ना बहुत जल्द पैदा हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो। और रही बात सतीश की तो उसे अभी मैंने टारगेट नहीं बनाया है लेकिन बहुत जल्द बना लूंगा, ठीक है ना? शिवो किससे बात कर रहा था? अपन किससे बात कर रहे दादा? अरे दादा अपन किसी से बात नहीं कर रहा था। झूठ मत बोल, मैंने खुद वहां से देखा, तू उस गाड़ी वाले से बात कर रहा था। कौन था वो? वो पीछे से धक्का देकर निकला, रोक लिया साले को अपन ने, ऊपर से तोड़फोड़ की बोला। अब देखो ना साला हाथ में पैसे ऐसे थमा कर गया मानो कोई पुरानी जान पहचान का है। खैर उनका क्या है, डरपोक है साला। चलो आज पैसा भी हाथ में है, पार्टी शार्टी करते ना। चलो आओ ना, आओ दादा। ये लड़का जितना सीधा साधा लगता है उतना है नहीं, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है इसके साथ, पता लगाना होगा। तो मैं क्या करूं ताई, मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जरा अपनी सोच को बदल कर देख वर्षु, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। देख कभी कभी कोई
कोई टेढ़ी सोच अगर हम दिमाग में लाते हैं ना, तो उससे हजार नए रास्ते खुलते हैं और बहुत सारी मुश्किलें हल भी हो जाती हैं। और मैं तुझे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने खुद देखा है अपनी जिंदगी में। और शुभ, मैं तुझे हमेशा कहती थी ना कि जब तक मुझे मेरी सास स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, लेकिन आज मुझे अपनी किस्मत बदलने के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ी और आज मैं जबरदस्ती यहाँ रह रही हूँ। थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो रही, लेकिन इस खुशी के लिए मैं इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ ना। ताई तू कहना क्या चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम का हमेशा एक सॉल्यूशन होता ही है। वर्षु, इस दुनिया में सिर्फ तू ही नहीं जो माँ नहीं बन सकती, इस दुनिया में बहुत सी औरतें जो माँ नहीं बन सकती, और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहे। तू इन बच्चों में से किसी एक बच्चे को मौका क्यों नहीं देती जो तुझे माँ का है?